हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जी हाँ, क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज है जिसको हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना होता है। बट एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि ये बहुत सारे के सिलेबस से हटा दिया गया है। बहुत सारे बोर्ड, मतलब सीबीएसई बोर्ड से तो हटा ही दिया गया है और भी बाकी बोर्ड से हटा दिया गया है। बट मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं या फिर बहुत सारे ऐसे बोर्ड है जिसमें ये नहीं हटाया गया है, तो उन सारे स्टूडेंट को दिक्कत ना आए इसको सोल्व करने में, इसलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखें, सीख लेने में क्या बुराई है, सीखना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बनाने के लिए, चलिए देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाने के लिए आपको सबसे पहले उसका ट्रिक को समझना पड़ेगा, फिर लॉजिक को समझना पड़ेगा। उससे पहले आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म पता होना चाहिए। जनरल फॉर्म क्या था, क्योंकि अगर आप लोग को अगर नहीं पता है ये, तो आप लोग हमारे पुराने वीडियो में जाइए देख लीजिए। ठीक है, वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। a1x plus b1y plus c1 is equal to zero, और एक इक्वेशन होता है, पेयर है इसलिए दो इक्वेशन रहता है। ठीक है, a2x plus b2y plus c2 is equal to zero, हमारे पास दो इक्वेशन इस तरीके से रहता है जिसका जनरल फॉर्म मैंने लिख रखा है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा क्या करना है, एक्स को लिखना है, वाई को लिखना है और इधर साइड है वन लिख देना है। ठीक है, थोड़ा सा गैप बना के इस तरीके से लिख लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको एक्स के नीचे लिखना है वैल्यू। ठीक है, कैसे लिखेंगे, आपको एक्स का लिखना है तो एक्स वाला में एक्स का वैल्यू नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं x का वैल्यू को छिपा देता हूँ, बाकी जो वैल्यू बच गया b1 b2 c1 c2 उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे b1 और यहाँ पे लिखेंगे b2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका c1 और यहाँ पे आ जाएगा c2। ठीक है, उसी प्रकार से आप y के लिए लिखना चाहेंगे तो y वाला में जो b1 b2 उसको हटा दीजिए, c1 c2 तो पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या बच गया फिर, a1 a2, तो इसको लिखिए a1 a2। अब उसी प्रकार से ये 1 वाले को छिपाना है आपको, तो वन वाले में क्या है सी वन सी टू, उसको नहीं लिखना है। आपका ऑलरेडी लिखा जा चुका है a1 a2, अब आपका क्या बच गया b1 b2, तो वही b1 b2 को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, b1 b2। अब क्या करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 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 इसको इससे करना है और इसको इससे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आइए देखिए। एक्स लिख लीजिए, नीचे में क्या होगा b1 c2, क्या आ जाएगा b1 c2, फिर माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, b2 c1 क्या लगेगा, b2 c1 इज इक्वल टू डाल देना यहाँ पे, यहाँ पे फिर y लिखिए, यहाँ पे c1 a2 क्या हो जाएगा c1 a2, फिर माइनस c2 a1 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 by a1 b2, क्या हो जाएगा a1 b2, और माइनस डाल के a2 b1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। अगर आपको यहाँ पे x निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए तो क्या करना होगा आपको, x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ जो वैल्यू है इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, और बाय में क्या है वही चीज आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो आप अगर इसका यूज करके डायरेक्टली आप x का वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा y के लिए अगर आपको निकालना हो तो ये वाला 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये इतना इजी टॉपिक था इसीलिए इसको यहां से हटा दिया गया, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग को सीखना जरूरी है, सीखेंगे। और इस तरीके से आइए क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करते हैं कि उसको हम लोग कैसे सोल्व करना चाहिए या फिर कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, इसको चलिए सोल्व करके देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। जी हाँ, सबसे पहले आपको इसको देखना होगा कि ये जनरल फॉर्म में है या नहीं। जनरल फॉर्म में कहने का मतलब क्या है, इज इक्वल टू के बाद उधर जीरो होना चाहिए, यहाँ पे जीरो नहीं है, तो इसको आइए हम लोग जीरो बनाते हैं। कैसे बनेगा देखिए ध्यान से, 2x प्लस वाई तो है, ये 5 को इधर ले आएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसको देखना चाहें क्या हो जाएगा, 3x प्लस में 2y, ये प्लस 8 है इधर आ जाएगा तो
माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। तो आपका जो मेन इक्वेशन हो गया वो हो गया। आपको क्या करना है, x को लिखना है, y को लिखना है, फिर 1 को लिखना है, ठीक है। x वाला में x वाला का वैल्यू नहीं लिखना है, y वाला का लिखना है। यहाँ पे क्या है, प्लस में 1 है, यहाँ प्लस में 2 है, तो 1 और 2 इस तरीके से लिख दीजिए। फिर यहाँ पे माइनस 5 और माइनस 8 है, उसको भी लिख दीजिए, माइनस 5 और माइनस 8। अब y वाले में y का नहीं लिखना है, माइनस 5 8 लिख चुके हैं, अब क्या लिखेंगे, 2 और 3। अब 1 वाले में इसको नहीं लिखना है, 2 और 3 लिख चुके हैं, क्या बच गया, 1 और 2। अब इसको क्या करना है, क्रॉस करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे एंड इसको इससे, फिर इसको इससे, देन इसको इससे। तो x y में क्या आ जाएगा आपका, 1 इंटू माइनस 8 तो माइनस 8, फिर माइनस लगता है 2 इंटू माइनस 5 तो माइनस 10 हो जाएगा, उस माइनस की वजह से इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस में 10। इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक माइनस आया जिसके वजह से हम इसको क्या किए, प्लस बना दिए। अब इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे y डिवाइडेड बाय माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15, फिर माइनस लगेगा फॉर्मूला का, फिर माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16, माइनस 16 आ रहा है, उस माइनस की वजह से ये क्या बन जाएगा, प्लस, और फिर से यहाँ पे 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और फिर माइनस लगेगा 3 इंटू 1 तो 3, ठीक है। अब यहाँ पे x बाय क्या बच गया आपका, 10 माइनस 8 तो आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे y 16 माइनस 15 तो 1 इज इक्वल टू में 4 माइनस 3 तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको इक्वेट करना है x बाय 2 को 1 बाय 1 मतलब 1 से, 1 y बाय 1 को भी इक्वेट करना है किससे, 1 बाय 1 मतलब 1 से। x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 1 तो 2, उसी प्रकार से y बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 तो 1, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। Click the show link and subscribe the channel and press bell icon for latest videos.